दिसंबर का महीने हम लोग ल्यूकेमिया या लिम्फोमा के अवेयरनेस के लिए डिवोट करते हैं दुनिया भर में। और आपको पता है ये ल्यूकेमिया है आपका शरीर की जो सेल्स है ब्लड सेल्स से शुरू होते हैं, और लिम्फोमा है शरीर के जो लिम्फेटिक सिस्टम्स या लिम्फ नोड से ये कैंसर का शुरुआत होते हैं। ये दोनों कैंसर शुरुआत में ही हम लोग पता कर सकते हैं ज्यादातर कैंसर्स, और इसका इलाज संभव है क्योंकि ये खून की कैंसर के बारे में बोलेगा तो कई तरह का खून की कैंसर होते हैं। कुछ तरह का जो ब्लड कैंसर होते हैं ये बचपन में देखा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। कुछ तरह का जो कैंसर होते हैं अल्टरनेट में जो बड़ा आदमी लोग बड़ा हो जाते हैं वो उम्र 40-50 के ऊपर होते हैं तब शुरू होते हैं, उसको हम लोग माइलॉइड ल्यूकेमिया बोलते हैं। कुछ तरह का ल्यूकेमिया होते हैं अक्यूट होते हैं, कुछ लोग क्रॉनिक होते हैं वो धीरे धीरे शुरू होते हैं कुछ देर के बाद हम लोग को पता चलते हैं। ये सब कैंसर ज्यादा तो ज्यादा ये इलाज हो सकते हैं, और ये बच्चों के में होने वाली जो अक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया इसका ठीक होने का संभावना बहुत ज्यादा है। आपको पता है आजकल साइंस इतना डेवलप किया, मेडिसिन इतना डेवलप किया, नया दवाइयों की उपलब्ध होने की वजह से ये सब कैंसर्स हम बहुत मात्रा में ठीक करवा सकते हैं। दूसरा तरह का जो बीमारी जो होते हैं जो लिम्फ ग्लैंड्स में होते हैं शुरू होते हैं इसको हम लोग लिम्फोमा बोलते हैं। और आपको पता है दो लिम्फोमा होते हैं, कई तरह का है, मेनली दो तरह का लिम्फोमा होते हैं, एक का हॉजकिंस लिम्फोमा और दूसरा जो होता है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। ये हॉजकिंस लिम्फोमा भी होते हैं, इसमें एक तो छोटी उम्र में आते हैं बच्चों में, कभी कभी कोई अडल्टहुड में भी ये दोबारा ये दिखाई देते हैं लिम्फोमा। ये लिम्फोमा का इलाज भी बहुत सरल तरीके से हम लोग आजकल कर सकते हैं, का जो इलाज होते हैं मुख्यतः कीमोथेरेपी द्वारा। कीमोथेरेपी से ये बीमारी का पूरे रूप से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, साथ साथ जो बीमारी जो प्रभावित एरिया में हम लोग इसमें कुछ रेडिएशन भी देते हैं, इन्वॉल्व फील्ड रेडिएशन इसको बोलते हैं। और इस रूप से ये जो हॉजकिंस टाइप के लिम्फोमा है इसका पूर्ण रूप से हम लोग इलाज कर सकते हैं और इनको ठीक होने का संभावना 90% से ज्यादा होते हैं। और ये कैंसर हम लोग का पता करने के लिए हम लोग के पास काफी सुविधाएं उपलब्ध है, क्योंकि ब्लड टेस्ट के अलावा हम लोग बोन से हड्डी से कुछ खून निकाल के जांच करते हैं, बोन मैरो टेस्ट करते हैं, साथ साथ इसका हिस्टोपैथोलॉजी और इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री ये टेस्ट करते हैं, इसमें किस तरह का कैंसर है और किस ग्रेड का कैंसर है हम लोग को पता मालूम हो जाते हैं, उस तरफ इसके इलाज भी फैसला करना बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। साथ साथ आजकल हम लोग का इमेजिंग टेक्नोलॉजी काफी इम्प्रूव हो गया, आपको पता है सीटी स्कैन के द्वारा एमआरआई स्कैन के द्वारा हम लोग को पता करते हैं शरीर में किस अंग में ये कैंसर का फैलने का संभावना है। जो लिम्फोमा डिसीज है हम कुछ आजकल कुछ इमेजिंग टेक्नोलॉजी की वजह से हम पूर्ण रूप से जिसका जो कहां कहां शरीर में अंग में फैला हुआ है उसको पता कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल पेट स्कैन हर जगह हर शहर में उपलब्ध है, उसी से हम लोग शरीर में किस अंग में बीमारी का प्रवाहित जगह है उसी को हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। अगर एक बार हमने पेट स्कैन किया उसके माध्यम से हम लोग का जो इलाज का जो इवैल्यूएशन कर सकते हैं, जो हमने कीमोथेरेपी दिया है उसके बाद अगर 3 या 4 कोर्स के बाद सीधे पता चलेगा शरीर में किस जगह पे बीमारी रह गया है, अकॉर्डिंगली हम लोग फर्दर इसका कीमोथेरेपी या इसमें जो जिस जगह पे जरूरत हो तो रेडिएशन का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब बीमारी का कंट्रोल होने का संभावना बहुत ज्यादा है और बहुत हाई क्योर रेट में ये हॉजकिंस का तरह का जो लिम्फोमा है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो बीमारी है जैसे कि नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है और इस बीमारी हम लोग आजकल काफी देर में पता करते हैं,
और जो बीमारी की जो ग्रेडिंग होते हैं इसके लिए काफी नया टेस्ट है उपलब्ध है, उसी से हम लोगों को जो पता चलता है किस तरह का ग्रेड का बीमारी है और अलग अलग ग्रेड के लिए बीमारी के लिए अलग अलग इलाज उपलब्ध है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में ज्यादा तो हम लोग जो कीमोथेरेपी का ही इस्तेमाल करते हैं, जो दवाइयां कैंसर मारक दवाइयां इस्तेमाल करते हैं और इसको जो इवेल्युएट करते हैं 3 या 4 कोर्स के बाद हम लोग पता इमेजिंग टेस्ट करके या स्कैन या पेट स्कैन करने के बाद ये पता चलेगा कितना बीमारी कम हो गया। अकॉर्डिंगली ये जो बीमारी का जो कोर्स हम लोग डिसाइड करते हैं कितना कोर्स देना है। तथा जैसे मैंने बोला जो नया दवाइयां उपलब्ध है जिसने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोलते हैं, इसको भी हम लोग साथ साथ देने के बावजूद ये कैंसर का रोकने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये भी इलाज करने के बाद भी हम लोग 3-3 महीने ये देते हैं कम से कम 2 साल तक, इससे देखा जाए था कि कैंसर का जो लिम्फोमा में जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है इसमें जो कंट्रोल होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसलिए आज इस महीने हम लोग लिम्फोमा ल्यूकेमिया के बारे में ये ध्यान देते हैं। इस महीना हम लोग किसी ने इस बीमारी के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। ये दोनों बीमारी अगर सही तरीके से सफलता से इलाज किया है इसमें हम रोकथाम करने का संभावना बहुत ज्यादा है। हम लोग ये बीमारी से डरने के बावजूद इसको हम लोग पूर्ण रूप से इसके इलाज करके इसके रोकथाम करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को किसी को शरीर में कोई गिल्टियां महसूस होना है या घंटे पता चलते हैं या खून की कमी बढ़ते जा रहे हैं और कमजोरी थकावट वजन कम करना करके जाते हैं वो भूख कमी लगते हैं, ये सब संभावना हो तो आप लोगों को नजदीक के डॉक्टर से ये चेकअप करवाना चाहिए। ये दोनों बीमारी या ब्लड कैंसर या जो लिम्फोमा इसको हम लोग अर्ली शुरुआत में पता करेगा तो इसका इलाज भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं और इनका सफलता भी हम लोगों को मिल सकते हैं। धन्यवाद।